फिल्मी जंक्शन देख रहे सारे दर्शकों का मैं अभिषेक स्वागत करदा। वैल अज के दिन इंडिया की एक बहुत सोहनी बहुत वधिया ते बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस का जन्म होया सी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आर्ट फिल्म्स ते बहुत बॉलीवुड दियां वड्डियां फिल्म्स विच काम किया। विमेन एम्पावरमेंट लई उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की ते बहुत बेहतरीन फिल्म्स दे नाल नाल काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी उन्होंने जितते। उन्होंने नाम है स्मिता पाटिल, सब उन्होंने स्मिता के नाम तो जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा डार्क सिनेमा उन्होंने बॉलीवुड किया, एक तो बाद एक हिट फिल्म उन्होंने सिनेमाघर पेश की। स्मिता पाटिल की जिंदगी के बारे जाणांगे ते तुहानू कुछ खास गल्लां दसांगे उन्होंने जन्मदिन पर, तो तुहानू दसांगे कि इस एक्ट्रेस ने अपनी छोटी उम्र के एक बहुत वड्डे करियर के किवें बॉलीवुड के अपना नाम बनाया। स्मिता पाटिल की गल करिए 17 अक्टूबर 1955 के स्मिता का एक राजनीतिक परिवार के जन्म होया। इन्हों बचपन तो ही एक्टिंग का शौक से, थिएटर ज्वाइन किया, थिएटर की क्वीन कहलाउन लग पई स्मिता पाटिल। श्याम बेनेगल ने स्मिता को ब्रेक दिता तो 1975 स्मिता ने डायरैक्टर श्याम बेनेगल के नाल चरणदास चोर फिल्म दे विच काम किया। इस तो बाद इन्होंने बैक टू बैक फिल्म्स करनिया शुरू कर दित्तियां ते अपने 10 साल के एक्टिंग दे फिल्म्स दे करियर दे विच ही इन्होंने एक बहुत वड्डा अवार्ड अपने नाम करवाया अते उस अवार्ड का नाम है पद्मश्री अवार्ड। वैल स्मिता की गल करिए काफ़ी फिल्म्स के करके इन्हों नैशनल अवार्ड भी मिला, तो काफ़ी वधिया करियर जाता पाया सी इन्हों का। इन्हें पर्सनल जिंदगी की गल करिए राज बब्बर के नाल जो बहुत वड्डे एक्टर ने हिंदी ते पंजाबी फिल्म्स विच राज बब्बर ने काम किया है, उन्होंने नाल स्मिता का नाम काफ़ी बार जोड़ा गया ते काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिजम भी सहना पाया स्मिता पाटिल नूं अपना नाम राज बब्बर के नाल जोड़न दे लई। गल है सन 1982 की जदों फिल्म भीगी पलके का शूट हुंदा पिया सी ते इस फिल्म दे विच राज बब्बर ते स्मिता पाटिल नूं कास्ट किया गया सी। दोनों जदों इस फिल्म दे सैट ते आउंदे सन ते दोवां दे विच करीबियां आउणियां शुरू हो गईयां ते दोवां ने एक दूसरे नूं अपने प्यार दा इजहार कर दिता। राज बब्बर की गल करिए ओह पहलां तो ही व्याहे होए सन, पर उन्हां ने अपनी वोटी नूं छड्ड स्मिता पाटिल दे नाल रहिण दा फैसला किया। दोवें लिव इन रिलेशनशिप दे विच रहे ते काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिजम दा सामना करना पिया स्मिता ते राज बब्बर नूं। स्मिता पाटिल के परिवार की गल करिए स्मिता पाटिल के घर के नहीं सन चाहते कि उन्होंने बेटी इदा लिव इन रिलेशनशिप के रहे, क्योंकि समाज अजिहे रिश्तों एक्सैप्ट नहीं करता। सो इस तो बाद राज बब्बर ने स्मिता पाटिल के नाल विआह करवा लिया, पर विआह तो कुछ समय के बाद ही दोवे मनमुटाव आने शुरू हो गए तो दोवों की निभनी बंद हो गई। स्मिता पाटिल की गल करिए उन्होंने कुखों एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम है प्रतीक, तो जिमें ही इस बच्चे ने जन्म लिया उस तो कुछ दिन बाद ही स्मिता पाटिल इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई। 31 साल की उम्र इस औरत ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिता। स्मिता पाटिल के जाने तो बाद राज बब्बर काफ़ी ज़्यादा निराश रहने लग पे, तो उन्होंने फिर यही फैसला किया कि अपनी वोटी को वापस जाया जाए, तो फिर वो अपनी वाइफ नदीरा को वापस चले गए। तो अज भी राज बब्बर ने अपने सोशल मीडिया से स्मिता पाटिल की फोटो साझी करके स्मिता को श्रद्धांजलि दी है। तो स्मिता पाटिल की कुछ हिट फिल्मों का मैं जिक्र जरूर करांगा, उन्होंने फिल्म्स का नाम है अर्थ, मंडी, आज की आवाज़ ते मिर्च मसाला। वैल राज बब्बर ते स्मिता की गल करिए एक फिल्म आई सी राज बब्बर ते स्मिता की जिसका नाम है पेट प्यार और आवाज़। उस फिल्म की कहानी की जेकर गल करिए उस फिल्म दे विच जो होया है सेम टू सेम स्मिता की जिंदगी दे नाल होया है। उस दे विच भी यही दिखाया गया है कि स्मिता एक अनजान व्यक्ति नाल विआह करवा लेंदी है ते जिवें ही उन्हां दे बच्चे का जन्म हुंदा है ते औरत इस दुनिया नूं अलविदा कह जाती है। अजिहा ही स्मिता की अपनी जिंदगी दे विच होया ते 70 दे दशक की एक खूबसूरत अभिनेत्री 31 साल बाद इस दुनिया नूं अलविदा कह के चली गई। स्मिता दे बहुत वड्डे वड्डे सपने सन, बहुत वधिया एक्ट्रेस ते बनना चाहुंदी सी। स्मिता दी एक डिजायर भी सी, उन्हां दा मनना ए सी कि जदों उन्हां दी मौत होवे तां उन्हां नूं सुहागन बना के उन्हां नूं अग्नि भेंट कीती जावे, ते उन्हां ने अपने मेकअप आर्टिस्ट नूं ये कह छड्डिया सी कि जदों मैं मरां तां मैनूं सुहागन जरूर बनाया जावे। उन्हां दे मेकअप आर्टिस्ट दा भी मनना ए सी कि मैनूं अजिहा करन दा मौका मिलेगा, मैं कदी सोचा भी नहीं सी, पर स्मिता दी ये डिजायर उन्हां ने पूरी कीती। स्मिता के मेकअप आर्टिस्ट की गल करिए दीपक सावंत उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट सन, उन्होंने मानना यह सी कि स्मिता ने यह गल मैनू कही सी ते मैनू नहीं सी पता कि स्मिता की अजिहे डिजायर्स भी ने कि सुहागन बन के मरना चाहती है। स्मिता की गल करिए शबाना आजमी तो लैके कुलभूषण खरबंदा तक ते राज बब्बर तो लैके होर वड्डे वड्डे कलाकारा तक स्मिता पाटिल ने काम किया है, ते अज भी स्मिता पाटिल का जो सिनेमा है उसनू लोग देखते हैं, उसनू पसंद करते हैं। स्मिता पाटिल के अवार्ड्स की गल करिए फिल्म फेयर अवार्ड्स, नैशनल अवार्ड्स ते पद्मश्री के नाल स्मिता नू नवाजा गया है। अज फिल्मी जंक्शन की टीम स्मिता पाटिल नू उन्हां दे
67वें जन्मदिन ते उन्हां नूं श्रद्धांजलि दिंदी है। की कुछ कहना है तुहाडा इस अभिनेत्री बारे, अपनी राय जरूर दिओ ते देखदे रहो साडा चैनल जिहदा नाम है फिल्म जंक्शन।